हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल, या जिसे हम कहते हैं बॉर्न हैबर चक्र। इस यूनिट की अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं तो यही है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछे जा चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। तो ये जो टॉपिक है गाइज, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। इसके अलावा और भी नोट्स इस यूनिट के आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को बॉर्न हैबर साइकिल समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ज्वालक ऊर्जा समझना बहुत जरूरी है, या जिसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। हालांकि मैंने इसका अलग से नोट्स जो है वो बनाया हुआ है, बट हम यहाँ पे दो मिनट में इसे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लैटिस एनर्जी क्या होता है और बॉर्न हैबर साइकिल से इसका कनेक्शन जो है वो क्यों है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा बन रहा है NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं Na+ जो कि गैसीय अवस्था में है और Cl- जो कि गैसीय अवस्था में है। जब ये Na+ और Cl- आपस में मिल करके NaCl आयनिक कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है वो उत्सर्जित होती है या कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी या ज्वालक ऊर्जा कहते हैं। इसे -U से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊर्जा जो है वो रिलीज हो रही है, तो इसे हम माइनस से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये है गाइस लैटिस एनर्जी या ज्वालक ऊर्जा। तो आखिर बॉर्न हैबर साइकिल से इसका कनेक्शन क्यों है, क्योंकि इसी लैटिस एनर्जी या इसी ज्वालक ऊर्जा की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे बॉर्न हैबर साइकिल या बॉर्न हैबर चक्र जो है वो कहा जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ आएगा इसकी बॉर्न हैबर साइकिल और लैटिस एनर्जी का क्या कनेक्शन है। तो चलिए हम बॉर्न हैबर साइकिल के नोट्स में आते हैं। फाइनली हम आते हैं बॉर्न हैबर साइकिल के नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है कि जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो एक्चुअल में क्या चीज है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो ज्वालक ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी, जब मैंने आप लोगों को समझाया तो वहां पे आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जो लैटिस एनर्जी होती है, जब हम उसका कैलकुलेशन करने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं उसे बॉर्न हैबर साइकिल या बॉर्न हैबर चक्र जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा बॉर्न हैबर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इवेपोरेशन और डिसोसिएशन एनर्जी में संबंध बताने वाला एक साइकिल है। आगे मैं आप लोगों को जो साइकिल बताऊंगी तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगी और वो समझ में आ जाएगा। जब वो साइकिल आप समझोगे तो इंट्रोडक्शन आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, तो अभी यहाँ पे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान सी चीज है कि जो बॉर्न हैबर साइकिल होता है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इवापोरेशन और डिसोसिएशन एनर्जी के बीच जो है वो संबंध बताने वाला एक साइकिल है। जो हम बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ेंगे गाइस, उसमें ये सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे यूज होगा, तो उनमें जो ये रिलेशन बताता है तो ये जो है वो बॉर्न हैबर साइकिल कहलाता है। इसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की ज्वालक ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी की गणना आसानी से किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हमें समझना होगा संभवन ऊष्मा, या जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या चीज है, जिसे हम डेल्टा HF से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो Na जो कि सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे देख रहे हो Cl2 जो कि गैसीय अवस्था में है। दोनों आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। तो जब Na और Cl2 आपस में मिलते हैं और NaCl बनाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने जो ज्वालक ऊर्जा है मतलब जो लैटिस एनर्जी है, सेम चीज वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब Na और Cl आपस में मिलकर के NaCl बनाते हैं तो वहां जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम ज्वालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। और सेम चीज मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया कि जब Na और Cl2 आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं तो हम इसे जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं गाइस। बट यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क ये है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लैटिस एनर्जी में आप लोगों ने क्या देखा था, जो Na+ था वो गैसीय अवस्था में था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो सॉलिड अवस्था में है। ये सबसे बड़ा इसमें फर्क है। सेकंड चीज ये, यहाँ पे जो है वो देख रहे हो आप Cl2 है, वहां पे हम लोगों ने केवल Cl- पढ़ा था,
यहाँ पे हाफ Cl2 मतलब ये जो रिएक्शन है उसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाफ लगाया हुआ है। आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे Cl2 है तो फिर NaCl कैसे बना, NaCl2 होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, उस सभी का आंसर मैं आप लोगों को जो साइकिल पढ़ाऊंगी उसमें जो है वो सभी आंसर जो है वो मिल जाएगा। बट आप लोगों को यहाँ पे जो चीजों में फर्क करना है वो है लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लैटिस एनर्जी क्या होता था, Na+ जो है वो गैसीय अवस्था में होता था और Cl2 भी जो है वो जो Cl है वो भी गैसीय अवस्था में होता था। तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा उत्सर्जित होता था वो लैटिस एनर्जी कहलाता था, मतलब ज्वालक ऊर्जा कहलाता था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम जो है वो सॉलिड अवस्था में है, तो इस प्रकार का जब रिएक्शन होगा और इससे जो हीट मतलब इससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसे हम संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो चलिए हम इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। जैसे NaCl के एक मोल का, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो NaCl के एक मोल का अपने एलिमेंट से बनने में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को ही आयनिक कंपाउंड की संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड कौन सा यूज किया जा रहा है, अपने एलिमेंट, तो सोडियम का एलिमेंट। सोडियम का एलिमेंट कौन से अवस्था में रहता है, हमेशा सॉलिड अवस्था में रहते हैं। जो Na गैस है वो तो हम उसे कोई भी एनर्जी देकर के गैसीय अवस्था में लाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सोडियम एलिमेंट होता है वो ठोस अवस्था में ही होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में ही होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस यही आप लोगों को यही करना है कि NaCl के एक मोल का अपने एलिमेंट मतलब सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, Cl2 तो गैस में ही रहेगा, अपने एलिमेंट से बनने में होने वाली जो भी ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा रिलीज है तो इसे हम जो है वो आयनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कहते हैं। दोनों में आप लोगों को फर्क समझ आएगा, इस लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो गाइस फाइनली हम आते हैं बॉर्न हैबर्ट साइकिल में, जो कि हम एक एक स्टेप को यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Na था वो सॉलिड अवस्था में था, हाफ Cl2 जो था वो गैसीय अवस्था में था, उसके बाद जो NaCl बना क्रिस्टल अवस्था में था मतलब सॉलिड फॉर्म में जो है वो इसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो भी ऊर्जा यूज हुआ या एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ उसे हम ΔHF से मतलब संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन से जो है वो इसे जो है वो प्रदर्शित करेंगे। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये चीजें इतना आसान है कि जो सोडियम होगा वो सॉलिड अवस्था में रहेगा, Cl2 है वो गैसीय अवस्था में रहेगा, आपस में मिलेगा और NaCl बना लेगा? ये चीजें इतना आसान नहीं है गाइस, इसे हमें पहले इसमें कुछ परिवर्तन लाना होगा। कहने का मतलब है कि अगर सोडियम ठोस अवस्था में है तो उसे हमें गैसीय अवस्था में लाना पड़ेगा। गैसीय अवस्था में यहाँ पे देख रहे हो Na+, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, Cl2 में कुछ डिसएसोसिएशन करना पड़ेगा जिससे Cl बने, उसके बाद Cl गैस बना करके हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तब Na+ और Cl- बनेगा और उसके बाद NaCl का जो है वो फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि Na+ और Cl- मिल करके NaCl का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ये नहीं पढ़ा है कि Na सॉलिड अवस्था में रहेगा और Cl2 गैस अवस्था में रहेगा और NaCl फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें करेंगे एक एक स्टेप को हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। कुछ एनर्जी की यहाँ पे आवश्यकता होगी क्योंकि जो भी चीजें हैं वो इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर सोडियम सॉलिड अवस्था में उसे हम गैसीय अवस्था में लाएंगे तो हमें उसमें कुछ ऊर्जा जो है वो एनर्जी जो है वो देना होगा। हर स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे, टोटल 5 स्टेप होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पे जब Na और Cl आपस में मिलेगा तो ये पांचवा स्टेप होगा। तो चलिए गाइस वो पांचों स्टेप को हम एक एक करके, तो सबसे पहला स्टेप होगा सॉलिड सोडियम मतलब जो ठोस सोडियम है उसे गैसीय सोडियम एटम में परिवर्तन। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने साइकिल ने बताया था, फर्स्ट स्टेप यही होगा कि जो सोडियम जो सॉलिड अवस्था में है उसे हमें गैसीय अवस्था में लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसी स्टेप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इस स्टेप में सोडियम के द्वारा ऊर्जा ग्रहण किया जाता है, प्रति मोल सोडियम द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी ΔHS कहलाती है। कहने का मतलब है कि सोडियम में हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देने के बाद जो सोडियम ठोस अवस्था में है वो सोडियम जो है वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा।
डायरेक्ट हम सोडियम Na+ नहीं लिख सकते हैं। जब तक हम सोडियम को गैस अवस्था में नहीं लाएंगे तब तक वहां से एक इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सोडियम जो कि ठोस अवस्था में है उससे पहले हमें गैसीय अवस्था में लाना होगा, चाहे हमें एनर्जी देना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो सब्लिमेशन एनर्जी होगा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होगा, जिसे हम डेल्टा एच एस से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो NaS मतलब सोडियम जो कि सॉलिड अवस्था में है उसमें जब हम सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं तो वो Na गैस मतलब सोडियम गैस में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा एच एस, तो इसमें प्लस 108 किलो जूल एनर्जी जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया गाइस समीकरण एक या फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, गैस सोडियम का गैस के टायन में जो है वो परिवर्तन करना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सोडियम का गैसीय अवस्था तो हमें प्राप्त हो गया, उसके बाद हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसे Na+ बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैस सोडियम एटम जो सोडियम एटम है वो गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें से निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम केटायन बनता है मतलब Na+ बनता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सोडियम को दिया जाता है उसे आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो Na जो कि गैसीय अवस्था में है उसमें जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उसमें हमें कुछ एनर्जी देना होगा, तो इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का फुल नोट्स आपको मेरे चैनल के बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 1 में मिलेगा। यूनिट 1 में हम ये छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो क्या होगा, Na गैस में जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये Na+ हो जाएगा, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा और Na+ गैसीय अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो प्लस 495 किलो जूल की जो है वो आवश्यकता होगी। ये होगा समीकरण तीन या थर्ड स्टेप हम कह सकते हैं। अब हमारे पास बन गया Na+, इसका खेल खत्म, सोडियम का इसका हमें हो गया Na+। जो सोडियम हमारे पास सॉलिड अवस्था में था उसको हम लोगों ने Na+ कैसे भी एनर्जी वगैरह दे करके Na+ गैसीय अवस्था में उसे ला लिए। अब बारी है हाफ Cl2 गैस की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड स्टेप में हम यही करेंगे। क्लोरीन अणु का क्लोरीन परमाणु में डिसोसिएशन। अभी क्लोरीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन के दो एटम है, तो ये एक प्रकार का भी मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम क्लोरीन एटम में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, Cl- चाहिए ना, Cl- गैसीय अवस्था में चाहिए, तो हमें इसके लिए एक क्लोरीन एटम की जो है वो आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसे क्लोरीन एटम बनाया जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिसोसिएशन करना पड़ेगा या वियोजन करना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। इस स्टेप में भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब अगर हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, इसे इसका वियोजन कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी। इस स्टेप में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रति मोल क्लोरीन के डिसोसिएशन के लिए आवश्यक ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा डी कहलाती है। तो हाफ Cl2 गैस अवस्था में है तो हम हाफ डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो हाफ है, तो यहाँ पे भी हम हाफ डी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो यूज करेंगे। तो हमें फाइनली मिल जाएगा Clg जो कि एक क्लोरीन एटम है और जो कि गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो होगा 121 किलो जूल। ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आते हैं गाइस फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हमें क्या देखना है, Cl गैस तो हमें प्राप्त हो गया, अब Cl गैस में एक इलेक्ट्रॉन जो है हमको एड करना है। सो गाइस चौथे स्टेप में हमें लिखना है गैस क्लोरीन एटम का गैस एनायन में परिवर्तन। क्लोरीन तो हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त हो गया है, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके डालकर क्लोराइड आयन बनाते हैं, क्योंकि Cl- हो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें दे देंगे। बट इसके लिए इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब तक हम लोगों ने क्या किया था, एनर्जी यूज किया था, पॉजिटिव फॉर्म में हो रहा था, बट यहाँ पे चीजें निगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा हमें देना नहीं होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ऊर्जा जो है वो रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इसे ईए से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें है वो माइनस में होगा, माइनस 348 किलो जूल
तो Cl गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड कर दिया, Cl- गैसीय अवस्था में मिल गया। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो दो प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, आई मीन Na+ और Cl-। अब तो आप लोगों को समझ आ सकता है गाइस कि Na+ और Cl- मिल करके NaCl बनाते हैं। तो जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो कंबाइन होने के बाद ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है NaCl, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब Na+ और Cl- आपस में मिलते हैं तो NaCl फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये डिफरेंस समझ आया गाइस कि ये संभवन उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। Na सॉलिड अवस्था में था, Cl2 गैस अवस्था में था और NaCl बन रहा था, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसे हम डेल्टा HF से प्रदर्शित करते हैं। बट Na+ और Cl- को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी U से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी कुछ ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है गाइस। अब पांचवा स्टेप देखते हैं क्या होगा। विपरीत आवेशित आयन, मतलब वही Na+ Cl- विपरीत आवेश है, एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में निगेटिव चार्ज है। तो इन आयनों का परस्पर संयोग करके, मतलब इन दोनों को मिला करके ठोस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, मींस NaCl सॉलिड अवस्था में हमें प्राप्त करना है। तो इस स्टेप में गैसीय एक मोल Na+ तथा एक मोल Cl- आयन आपस में मिलकर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के एक मोल क्रिस्टल का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। Na+ गैसीय अवस्था मिल गया, Cl- गैसीय स्टेट में मिल गया, दोनों को मिलाएंगे NaCl बनेगा, जो एनर्जी रिलीज होगा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहलाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण पांच। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो पांचों समीकरण हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था उन सारे समीकरण को यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि जब हम इसे ऐड करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या बनाया था, Na फर्स्ट, मतलब यहाँ पे आप लोगों को बस ये करना है जितना भी आपको पांचों समीकरण जो प्राप्त हुआ था ना वो पांचों समीकरण को यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। NaS में जब हम लोगों ने सब्लिमेशन किया था तो Na गैस मिला था, फिर Na+ गैस मिला, फिर Cl गैस मिला, फिर Cl- गैस मिला, फिर मिलकर के NaCl बनाया। और ये सारी चीजें जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था वो सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें डेल्टा एच एफ का मान जो है वो निकल जाएगा, मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी टोटल एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो हमें मिल जाएगा। डेल्टा एच एस लाइन से हम लोग इसे ऐड कर देंगे, डेल्टा एच एस प्लस आई ए एन ए प्लस हाफ डेल्टा एच डी प्लस ई ए सी एल प्लस डेल्टा एच लैटिस। इस पे कंफ्यूजन मत होइए, समीकरण जो मैंने एक एक स्टेप बताया वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो वैल्यू रहेगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है, वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा एच एस में क्या देखा था, सब्लिमेशन में इतना जूल हमें जो है वो ऊर्जा आवश्यकता हमें पड़ी थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों के साइकिल में एक एक एनर्जी को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे और जो जहाँ पे जो माइनस हमें प्राप्त हुआ था वो हम माइनस कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे भी माइनस लैटिस एनर्जी जो होता है वो माइनस में आएगा क्योंकि वहां पे ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो टोटल जो आंसर आएगा इस होगा -411 किलो जूल। अतः NaCl की जो संभवन उष्मा होगी, मतलब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो डेल्टा एच एफ होगा और उसका जो आंसर होगा वो -411 किलो जूल प्रति मोल हमें प्राप्त होगा। तो बॉर्न हाइबर्ड साइकिल का यूज क्या होता है, इसका यूज है लैटिस एनर्जी निकालना, जितने भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है जितने भी एनर्जी यहाँ पे यूज हुआ है उनके बीच जो है वो रिलेशन बताना, इन सारी चीजों के लिए हम बॉर्न हाइबर्ड साइकिल का जो है वो यूज करते हैं। तो NaCl के लिए जो टोटल एनर्जी यहाँ पे हम लोगों ने देखा वो होगा -411 किलो जूल प्रति मोल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का फुल नोट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, आप बार बार इस चीज को देखें, रिपीट करें, इसका नोट्स जरूर बना लें, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।